अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक बेसिकली फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 6, जिसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। आपको यहाँ पे इस चैप्टर में मेरे साथ तीन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को ऑब्जर्व करना है, जिसमें आपके पास जो पहली कहलाती है वो कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप एपी भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड आपके पास कहलाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और थर्ड आपके पास कहलाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बेसिकली आप रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास आप एक प्रोग्रेशन की दो कंजेगेटिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस निकालें, और वो डिफरेंस आपके लिए सेम हो, तो उस वक्त आप प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक कहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास कॉमन रेशो सेम होता है, यानी कि अगर आप दो कंजेगेटिव टर्म्स के दरमियान रेशो निकालें तो वो रेशो सेम होगा आपके लिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बेसिकली अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक की तरीके से कोई पहचान तो आइडेंटिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन उसको आप इस तरह समझते हैं कि अगर मैं कोई प्रोग्रेशन दूं आपको, अगर मैं आपको कोई प्रोग्रेशन दूं और उसमें कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा, कॉमन रेशो भी सेम नहीं आ रहा, तो क्योंकि आपके कोर्स में है ही अब तीसरी हार्मोनिक, तो वो हार्मोनिक ही होगी। लेकिन आप उसको पक्का कर सकते हैं कि वो हार्मोनिक है या नहीं। कैसे? आप उस प्रोग्रेशन को, जब आपने कॉमन डिफरेंस निकाला वो सेम नहीं आया, आपने कॉमन रेशियो निकाला वो सेम नहीं आया, आप एक काम करें, आप उस प्रोग्रेशन को रेसिप्रोकल कर दें, और रेसिप्रोकल करने के बाद आप उसका बेसिकली डिफरेंस निकालें तो वो आंसर आपके पास सेम आएगा। लाइक मैं आपके क्वेश्चन को देता हूँ, जिसमें आप बात समझेंगे मेरी। नहीं, मैंने आपको एक प्रोग्रेशन दी, आप बेशक डिफरेंस निकालने 1/9 और 1/4 में, अब याद रखिएगा डिफरेंस निकालने में हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को आप माइनस कर रहे होते हैं ना, लाइक दिस, इस तरह माइनस कर रहे होते हैं, या फिर इस तरीके से डिवाइड कर रहे होते हैं रेशो निकालने के लिए, इस तरह डिवाइड कर रहे होते हैं। अब आपने डिफरेंस निकाला सेम नहीं आया, दैट मीन्स वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। आपने डिवीजन किया रेशो भी सेम नहीं आया, दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिक भी नहीं है। अब एक बात तो कंफर्म है कि ये आपके लिए हार्मोनिक हो गई, ठीक है। अब अगर आपके लिए ये हार्मोनिक है, तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे आप? आप एक काम करें, इसका रेसिप्रोकल करें। 1/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 4। 1/9 का 9, 1/14 का 14, 1/19 का 19। और अब एक काम करें, इनका डिफरेंस निकालें। 9 - 4 5, 14 - 9 5, 19 - 14 5। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन सीक्वेंस ये आपके लिए अर्थमेटिक हो गई। अगर ये अर्थमेटिक है तो दैट मींस ये आपके लिए हार्मोनिक है, ठीक है। तो पहली चीज जो असल में इस चैप्टर में आपको याद रखनी है कि आपको यहाँ पे तीन डिफरेंट प्रोग्रेशंस के बारे में मेरे साथ डिस्कशन करनी थी, वो तीनों डिफरेंट प्रोग्रेशन किस तरह पहचानी जाएंगी वो आपके पास, आपके सामने रखा है मैंने। अर्थमेटिक है डिफरेंस सेम, ज्योमेट्रिक है रेशो सेम, हार्मोनिक है आप उसका रेसिप्रोकल करें तो डिफरेंस सेम होगा, ठीक ना। अब
आपको हर प्रोग्रेशन में, आपको हर प्रोग्रेशन में तीन बातें पढ़नी है, आपको हर प्रोग्रेशन में तीन बातें पढ़नी है। द फर्स्ट उसकी nth टर्म, द सेकेंड उसका सम ऑफ nth टर्म, और द थर्ड मीन ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, हर सीक्वेंस में आपको ये तीन बातें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, आप उस प्रोग्रेशन की nth टर्म पढ़ेंगे, आप उस प्रोग्रेशन की सम ऑफ nth टर्म पढ़ेंगे, और आप उस प्रोग्रेशन का मीन पढ़ेंगे। तो उसमें मैं सबसे पहले कहानी आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, सबसे पहले कहानी मैं आपके सामने स्टार्ट करना चाहूंगा, एंड दैट इज फॉर अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। हम ये बात मानते हैं कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन किसे कहा जाता है जिसमें डिफरेंस सेम हो। यानी अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल सी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन रखता हूँ, 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, मैं आपको कहूं कि ये अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, इसको कंफर्म करके, तो उसको कंफर्म कैसे कर सकते हैं? सर मैं 4 में से 1 को माइनस करूंगा, मैं 7 में से 4 को माइनस करूंगा, मैं 10 में से 7 को माइनस करूंगा। आंसर क्या आएगा आपके पास? 3, 3, 3। दिस शोज के ये आपके लिए एक अर्थमैटिक प्रोग्रेशन हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। जो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म होती है उसे सिंबॉलिकली आप ए कहते हैं। ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे होते हैं 3, जिसको आप कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, इसको आप सिंबॉलिकली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप सिंबॉलिकली डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक सिंबल मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, एन आप नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं। एक तो इसके बारे में ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कि एन नंबर ऑफ टर्म्स को कहते हैं, दूसरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एन के बारे में, दूसरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एन के बारे में वो ये है कि ये एन आपको बेसिकली किसी भी टर्म की पोजीशन भी बताता है। अभी मेरे साथ सिंबल्स के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स या पोजीशन ऑफ दैट टर्म। है तो एन से हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं कि एक सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, या एन हमें ये बताता है कि जो इस वक्त एन की वैल्यू है वो टर्म की पोजीशन है। ये दोनों बातें मैं आपको समझाऊंगा अभी अप्लाई करके भी, क्योंकि ए और डी को मैं समझने की कोई बात नहीं है, वो तो आपको शायद समझ में आ चुकी है ना। अब अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इसी बोर्ड पे रहता हूँ, एपी में चल रहा हूँ ना, तो इसी बोर्ड पे रहते हैं। Now, जो अगला सिंबल मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा वो है टी एन का। टी एन को आप nth टर्म भी कहते हैं, और टी एन को आप लास्ट टर्म भी कहते हैं, और टी एन को आप इंडिकेटेड टर्म भी कहते हैं, और टी एन को आप तीन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है ना, आपके पास अब अगर मैं इन तमाम तर बातों से अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो nth टर्म की फॉर्मूले को बनाने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे जर्नल एपी को पहले समझाना चाहूंगा। हम पहले एपी बनाते हैं, खुद फॉर्मूला बन जाए। ये देखिए, 1, 4, 7, 10 पे ऑब्जर्वेशन करिएगा। 1 क्या है? फर्स्ट टर्म ए मानते हैं। एक बात बताएं, इस 4 को बनाने के लिए आपने इस 1 में 3 को ऐड किया होगा, ठीक है? तो इसका था, इसको मैं ए प्लस डी कह सकता हूं। हम अपनी बेस 1 को बनाते हैं इस 7 में, ए में इस 7 को बनाने के लिए, ए मतलब 1 में मैंने 3 को 2 दफा ऐड किया होगा, मतलब 3 कॉमन डिफरेंसेस का, तब 3 2 दफा ऐड हुआ होगा। ठीक है, जरा ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकेंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। ठीक है, तो अब अगर गौर करें तो मैं आपसे इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करने को कहूं, तो सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है,
थर्ड टर्म में डी का कोफिशियंट 2 है, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा? 3D। फिफ्थ टर्म में क्या होगा? 4D। तो इस तरह करते करते अगर मैं आपको कहूं मुझे nth टर्म की बात बताएं, तो जो टर्म का नंबर है डी का कोफिशियंट उससे एक कम है, सेकेंड टर्म में तो D1 है, थर्ड है तो D2 है, तो nth टर्म के लिए आपका क्या होगा? a+n-1 × d, मतलब एक कम कर दें। तो हमारे लिए अर्थमैटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला बना a+n-1 × d। मैं एक बात ध्यान में रखिएगा, तमाम स्टूडेंट्स को जब भी सीक्वेंस सीरीज क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स को बिठा के रखिएगा, जिस तरह जनरल AP से फॉर्मूला बना, तो जनरल AP खुद इटसेल्फ है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा पहला कॉन्सेप्ट, ये एक फॉर्मूला है nth टर्म a+n-1 × d, ये सारी बातें अपने ध्यान में रखिएगा। ए क्या है, डी क्या है, एन को क्या क्या कहते हैं, टी एन को क्या 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 कहते हैं, जर्नल AP क्या है, ठीक है, और जर्नल AP से हमने एन फॉर्मूला क्या बनाया। अब यहाँ पे कुछ चंद क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहूंगा, सिंपल सा पहले क्वेश्चन आपके सामने जो जनरली आप लोग से बहुत पूछा जाता है वो आपको पहले बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, मैं आपको एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, एंड द सीक्वेंस इज 1, 5, 9 अप टिल, आप मुझे इसमें 13th टर्म निकाल के दे। ठीक है, हमारे पास सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ए इस वक्त आपके लिए 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 5-1 का मतलब 4, 9-5 का मतलब 4, दो दफा वर्बली निकाल के देख लिया करें। ठीक है, हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, हमें यहाँ पे बेसिकली 13 टर्म निकालनी है, तो दैट मीन्स आपके लिए एन को मैं 13 भी कह सकता हूँ, क्यों? जरा अब वो बात समझो, एन को नंबर ऑफ टर्म्स के अलावा पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, तो n13 हो गया, और मुझे यहाँ पे tn का मतलब t13 फाइंड करना है, तो t13 को निकालने के लिए a+n-1 × d, सही फॉर्मूले में पुट करा, 1+12 × 4 का मतलब 48, तो इसका मतलब मेरी इस सीक्वेंस की 13th टर्म क्या आई? 49। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, प्लीज। क्वेश्चन है 2, 7, 12 और आप मुझे इसकी 50th टर्म निकाल के दें। शायरों को जगाते हैं, उन्हें लोग सो जाते हैं भाई। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान इसका ए बताओगे? 2, कॉमन डिफरेंस, फाइव और क्या गिवन है? ओके, फिफ्टी एन 50th टाइम और आपको TN का मतलब T55 T50 करना है, ऐसा ही फॉर्मूला जी सर। क्या होता a+n-1 × d है? ए में क्या पुट करूं मैं? प्लस 2 50-1 × 5 तो ये शायर हो गया 2+49 × 5 का मतलब 245, यानी कि 247। थैंक सेवन यू अब्दुल रहमान। या वेलकम। नाउ अब अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक और क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, मैंने आपको एक सीक्वेंस दी है, एंड द सीक्वेंस इज 1, 4, 7 अप टिल 37, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 37 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं तो इस वक्त मैं ये बात जो आपसे पूछ रहा हूँ, 37 इज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो ये बेसिकली मैं आपसे आपके 37 की अपने सीक्वेंस में, 37 की अपने सीक्वेंस में पोजीशन पूछ रहा हूं, है ना? तो अगर मैं सीक्वेंस में अपनी पोजीशन पूछ रहा हूं तो सर यस टीएन बात की है, जगह, टीएन की जगह 37 पुट कर TN की जगह 37 पुट कर दो, फाइंड क्या करें?
सर पोजीशन एन मालूम कर लेंगे, एन मालूम कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करूं, ए वन, एक मिनट सॉरी, टी एन की जगह 37, ए की जगह 1 प्लस एन माइनस टाइम एन माइनस 7 माइनस 1 का मतलब 36 हो गया, 3 वहां से जाके डिवाइड हो जाएगा एन माइनस 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 36 डिवाइडेड बाय 3 12 प्लस 1 का मतलब एन 13। एक जवाब दोगे, बल्कि तुमने वहां से एक और ने भी रेज हैंड किया है, हमदा वकील सर। आपने पूछा है 37 इज व्हिच टर्म ऑफ सीक्वेंस, सर तो 37 नंबर फाइंड करना है, कौन से टर्म पे आएगा, 37 पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा ये फाइंड करना है। जब भी एक बार ध्यान में रखिएगा, 37 को मैं टर्म के तौर पे लिखूंगा तो मैं टीएच ऊपर लिखूंगा, 37th, 13th, ठीक है। 37 इस वक्त टर्म का नंबर नहीं है, 37 इज बेसिकली उस सीक्वेंस की एक टर्म है। ओके सर, आई रिपीट, 37 उस टर्म की एक, सॉरी 37 उस सीक्वेंस की एक टर्म है, 37 किसी टर्म का नंबर नहीं है। अच्छा, अब ये n13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमदा सर? n13 मतलब कि 13 पोजीशन पे आएगा 37। और इसके अलावा ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? नंबर उस पे, मतलब ये तो तुमने एक बात बता दी ना कि 37 आपकी सीक्वेंस पे 13 पोजीशन पे आएगा, दूसरी n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? दूसरा n मतलब n की दो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है सर, एक ही समझ आ रही मुझे तो। अच्छा, कोई बात नहीं, और मेरे ख्याल से दूसरी, यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं तो यहाँ पे सीक्वेंस में टोटल टर्म्स 13 है, यहाँ पे एन की टोटल टर्म्स आपके पास 13 है। यस मारिया, ओके। तो आपके पास यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 13 ने मुझे एक तो ये बात बता दी कि 37 बेसिकली आपकी सीक्वेंस की 13 पोजीशन पे है, और दूसरी बात आपके पास ये कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 13 है। चले, अब आइए मैं कुछ और क्वेश्चन आपके तरीके से करना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन सुनिएगा, हाउ मेनी टर्म्स are there in 2/3, 1/2, 1/3 and so on whose last term is minus 17/6? Maryam Ahmed, वालेकुम अस्सलाम, शायर क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सर शायर कह रहे हैं कि लास्ट टर्म फाइंड आउट, लास्ट टर्म जो है वो -17/6 है और हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ टर्म्स। दैट मींस हमें क्या फाइंड करना है, सिंबॉलिकली जवाब दो। नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड आउट करना है। n फाइंड करना है, तो चलो और डेटा बनाना शुरू करते हैं। a क्या है? a है 2/3। देखिए आपके क्वेश्चन में, लगेम थोड़ा सा आपको वेट कराता हूँ, आपके क्वेश्चन में तमाम स्टूडेंट सुनेंगे, आपके क्वेश्चन में ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात क्या पता कई क्वेश्चन में मेंशन हो डायरेक्ट ही कि ये एपीई है या जीपीई है या एचपीई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में एप्टीट्यूड के अंदर ये बात मेंशन नहीं होती कि ये एपी है या जीपी है या एचपी है। ऑब्वियसली बात है, मैं तो अभी एपी ही स्टार्ट करके बैठा हूँ तो मुझे तो पता है ये एपी है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। मैंने था, मेंशन था, मैंने हटाया हुआ, वो कुछ क्वेश्चन न्यू था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी, ये वर्ड मैंने हटाया हुआ था। तो याद रखिएगा, वहां आपको खुद पहचानना होगा कि डिफरेंस से, रेशो से या रेसिप्रोकल से। नाउ मरियम अगेन, मेरा सपोर्टिंग हैंड बनो, डी कैसे निकालूं? सर 1/2 -2/3 करेंगे।
तो अगर मैं 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 3 करता हूँ, दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे 6 एलसीएम लेता हूँ तो ये हो गया 3 माइनस 4 का मतलब माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है भाई। और टी एन आपके पास गुड, टी एन यहाँ पर है माइनस 17 अपॉन 6 और मुझे यहाँ पे एन निकालना है। तो फॉर्मूला इज टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि माइनस 17 अपॉन, ठीक है भाई, 2 अपॉन 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस 17 अपॉन 6 माइनस 2 अपॉन 3 एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 6, मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं 6 एलसीएम ले लेता हूँ तो ये हो गया माइनस 17 माइनस 4 अब्दुल्ला, सर 22 आंसर आएगा। थैंक यू सो मच। मतलब इस तरह सॉल्व करके निकाले डायरेक्ट, कोई तरीका है? नहीं सर, सॉल्व कर चुका हूँ। अच्छा फिर ठीक है, मैंने कहा क्विक मैथ्स हो तो पूरी क्लास के साथ सॉल्व होना चाहिए ना। वैसे कुछ इसके जनरल क्विक मैथ्स के आंसर भी हैं, लेकिन चलें अभी आपने सॉल्व कर लिया है तो उसको ही देख लेते हैं। तो दैट मींस अगर मैं इसको सॉल्व कर चुका हूं तो दैट मींस मेरा एन आ गया 22। मरियम सेन 22 के बारे में दो बातें बताएं। जी सर, इस एन 22 के बारे में दो बातें बताएं। सर ये 22th पोजीशन पे होगा, 22 टर्म्स होंगी। और 22th पोजीशन ये किसकी पोजीशन है? सर माइनस 17 अपॉन 6 की। थैंक यू सो मच। अब्दुल्ला कहाँ गया ये? सर 22 ही है, आप रीचेक कर ले, कर ले आप। ओए ओए, ये तो भाई जंग हो गई। एक रुक जाओ, मैं आंसर ही देख लेता हूँ। ABCD मेरे पास है ना, एक 6.1 क्वेश्चन नंबर 5। सर 22 है। बिल्कुल अब्दुल्ला इज राइट। मुझे गलती दिख गई आपने, 22 है। ओके अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है या वैसे ही रेज हैंड किया हुआ है? नहीं सर, मैं वही बोल रहा था 22 है, 20 नहीं है, सॉल्व करिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पे आगे लेके बढ़ता हूँ, आपको कुछ और क्वेश्चन आपके साथ एपी के एनेट टर्म के डिस्कस करना चाहूंगा। अगर एक ये जो पैटर्न आपने मेरे साथ अभी डिस्कस किया ना, इसके बाद एक कुछ क्वेश्चन आपके साथ और रखता हूँ। वो क्वेश्चन आपके पास क्या है इज 83 a term of the sequence 1, 4, 7, 10 and so on. Yes, my boy. क्या हाल है? देख उठ रहा है, अभी उठ रहा है तू ना, अभी उठ रहा है ना? बताते हैं सर, 83 को TN को 83 से रिप्लेस करेंगे, A1 होगा, E3 होगा। और क्या फाइंड करूं? N फाइंड करना, N बेसिकली अगर होल नंबर होगा तो 83 सीक्वेंस का पार्ट होगा। एक्सेलेंट, थैंक यू। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 83 आपके पास 1, 4, 7, 10 की सीक्वेंस में है, एग्जिस्ट करती है ये टर्म या नहीं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे काम ही करता हूँ कि मैं अपने लिए 83 को TN कह देता हूँ, A1 कह देता हूँ, कॉमन डिफरेंस में 3 कह देता हूँ और मैं फाइंड कर लेता हूँ N। और N फाइंड कर नहीं है पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे TN equals to A plus N minus 1 into D से सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करता हूँ और N की वैल्यू निकालता हूँ, मेरा आंसर क्या आ रहा है वैसे? सर
ठीक है 85 अपॉन 3 आ रहा है, दैट शोज कि आपके पास जो थैंक यू मैम दैट शोज कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 85 अपॉन 3 का मतलब एक डेसिमल में तो नहीं हो सकती ना, और ये बात ये शो कर रही है कि ये 83 आपके लिए इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। सीक्वेंस है -3, -3, -9, 15 अप टिल 6m-15 और मुझे आपको इस 6m-15 की पोजीशन निकाल के देनी है, सिर्फ एक सरसरी तौर पे कराने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप किस तरीके से करेंगे सर, ए इस वक्त आपके लिए -3 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपके लिए 6 हो गया और टी एन को आप 6m-15 कह दें और आप n निकाल लें तो जो n आएगा वही आपके इस टर्म की पोजीशन होगी। तो इफ आई रिप्लेस टी एन बाय 6m-15 ए बाय -3 प्लस n निकालना चाह रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस इज 6, -3 यहाँ पर आएगा +3 हो जाएगा 6m-12 हो जाएगा और अपॉन वहां से 6 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 6 ऊपर से कॉमन ले लें तो बचा m-2 और नीचे से 6 वो कैंसिल हो जाएगा n-1, तो n का आंसर आ गया m-1। ठीक है, तो m-1th टर्म है ये m-1th टर्म है। ठीक है ना, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे इसी तरीके से आपसे एक रेंज लेके, यानी लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, अब ऑफिस वाले ने पूछा तो है नहीं है, हाउ मेनी नंबर्स जब बोल दिया मैंने आर देयर, बिटवीन 256 and 789 दैट आर डिविजिबल बाय 7 That are divisible by 7. आयशा मकबूल, yes. तो शायर क्या कहेगा इसके बारे में? शायर कहाँ चला गया? सर पहले हम देखेंगे कि इस सीरीज के बीच में कौन से नंबर्स हैं जो divisible है 7 है। वो कैसे स्टार्ट करें? सर पहले 789 से मतलब पीछे वाले नंबर 7 से डिवाइड होकर चेक करें और 256 से फॉरवर्ड, तो 256 से फॉरवर्ड जाओगे तो कौन सा नंबर आ रहा है? 259 आई थिंक सो, यस है ना? यस, तो मेरे ख्याल से 259 से ये रेंज स्टार्ट होगी, तो फिर 7 ऐड करें तो 266 एंड सो ऑन, 789 पे आओ तो 784 मेरे ख्याल, या 794, सॉरी 784। यस, ये मेरी सीक्वेंस बन गई। इसमें ए आपके लिए क्या है 259, कॉमन डिफरेंस कितने का होगा 7 का क्योंकि 7 से डिविजिबल है, टी एन कितना होगा 784 और हम क्या फाइंड कर लें n, ठीक है a प्लस n माइनस 1 इनटू d से यहां से मैं n निकाल, क्लियर होती बात सबको? यस, ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो आप लोग से यहाँ पे इस तरह पूछा जाता है, तो देखिए क्वेश्चंस की टाइप्स अपने जहन में बिठाइए कि किस किस तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बेस आपकी एक ही है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब तक, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of AP when T4 is 7 and T16 is 31.
अब देखिए आपको यहाँ पे आपके अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स दे दी, सीक्वेंस की अर्थमैटिक की फोर्थ टर्म दी हुई आपको सेवन, ठीक है, और सिक्सटींथ टर्म दी हुई है 31, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि मुझे ए और डी निकालना है, फर्स्ट टर्म मतलब ए और कॉमन डिफरेंस मतलब डी, तो आपका मैथ्स का रूल जागना चाहिए इक्वेशन वाला, आपका मैथ्स का रूल जागना चाहिए इक्वेशन वाला कि जब भी आपको जितने अननोन फाइंड करने होते हैं आपको उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलना चाहूँ आपको, तो आपके पास टी एन को मैं अगर टी फोर से रिप्लेस करूँ तो मुझे यहाँ पे एन में फोर पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे टर्म पुट की जाती है वही यहाँ पे एन पुट किया जाता है, क्योंकि एन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। टी फोर क्या है, सेवन ए प्लस थ्री डी, ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन। टी सिक्सटीन निकालते हैं, तो टी सिक्सटीन के लिए ए प्लस सिक्सटीन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। टी सिक्सटीन क्या है, 31 इक्वल टू ए प्लस 15 डी, ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं सर, ए वन है डी टू है, ए वन है और डी टू है, अगर मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो, और कभी कभार मैं आपसे ये भी पूछ सकता था इसी क्वेश्चन के पैटर्न में कि मुझे सीक्वेंस निकाल के दे दे कि सीक्वेंस क्या बनेगी, तो सीक्वेंस निकालने के लिए आप किसको यूज करेंगे, जनरल एपी को, तो वन थ्री फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी आपको किसी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन में किसी भी प्रोग्रेशन की दो टर्म्स दी हुई हो तो आपका काम यह है कि आपसे अगर उसकी फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस पूछी जा रही है या सीक्वेंस पूछी जा रही है तो आप यहां पर सबसे पहले उससे दो इक्वेशन बनाकर बेसिकली आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन पे अब मैं अगर आपके सामने यहां पर अगली चीज रखना चाहूं और वो आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स of the sequence for each of the following general terms. मुझे पहली तीन टर्म्स निकाल के दें और अब की बार मैं आपको आपकी सीक्वेंस की जर्नल टर्म दे रहा हूं। लेट्स से मैंने आपको जर्नल टर्म दी, एक पार्ट टू पावर एन माइनस वन, ये मैंने आपको जर्नल टर्म दे दी। तो अगर आपको जर्नल टर्म का मतलब क्या हुआ, जर्नल टर्म का मतलब यानी कि ये आपको बेसिकली इस वक्त क्या दिया हुआ है, ये आपको बेसिकली इस वक्त टी एन दिया हुआ है, इंडिकेटेड टर्म दी हुई है, जर्नल टर्म दी हुई है और आपसे सीक्वेंस की पहली तीन टर्म्स पूछी हैं, तो याद रखिएगा जब जर्नल टर्म आपको दिया जाए तो आपको सिर्फ सीक्वेंस की जो भी टर्म वो पूछेंगे आपको वो एन उसमें पुट करना है। अब आपसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म निकाले तो फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए आप एन वन पुट करना, यानी टू पावर वन माइनस वन मीन्स टू वन। मैं सेकेंड टर्म निकालने को कहूं आप एन टू पुट कर दें, टू पावर टू माइनस वन थ्री। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 27th टर्म निकाल के, तो मैं एन यहां पे 27 पुट कर दूंगा, टू पावर 27 माइनस वन। आई थिंक इसका आंसर यही रहेंगे क्योंकि टू पावर 27 बगैर कैलकुलेटर के कम से कम एप्टीट्यूड तो मैंने सॉल्व कर सकता, ठीक है।
जहाँ एनईडी है तो वहाँ कैलकुलेटर अलाउ, तो वहाँ तो आप ये आंसर भी निकाल सकते हैं, 2 पावर 27 कैलकुलेटर से निकाले माइनस वन कर दें तो यू विल गेट योर आंसर। तो कहने का मकसद, अगर आपको जनरल टर्म दी हुई हो और आपसे कोई टर्म पूछी जाए, ठीक है, तो उस वक्त बेसिकली आप ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा नोट बनाना चाहूंगा, गिवन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, क्वेश्चन मैंने कराए हैं बिल्कुल, लेकिन आपको एक छोटी सी अप्रोच भी देना चाहूंगा कोई एक तरीके की। देखें, मिसाल के तौर पे आपको गिवन है टीएन, टीएन का होता है जिस तरह मैंने अभी आपको जनरल टर्म दी है, और मैं आपसे सीक्वेंस पूछ रहा हूं, मतलब मैं आपसे टर्म नंबर कोई भी पूछ रहा हूं या सीक्वेंस पूछ रहा हूं, तो उस वक्त आपका तरीकेकार क्या है? उस वक्त आपका तरीकेकार क्या है कि आप सिर्फ पुट करेंगे एन को 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपसे कौन सी टर्म पूछी गई। लेट्स से आपको सीक्वेंस गिवन है और आपको टीएन फाइंड करना है, तो अब एक तरीका तो आपके सामने ये क्या फॉर्मूला बना है, फॉर्मूले से यूज करके सॉल्व करें, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, जिस तरह अभी आप करते हुए आ रहे थे, सीक्वेंस आपको गिवन थी और आप टीएन कैसे निकाल लेते, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। अब इसका एक आसान तरीका भी है ना कि भाई उस जो ऑप्शन होंगे ना मेरे पास तो ऑप्शन होंगे, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने इसका एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, फिर वापस उस पे आता हूँ। तन 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 तन। मैं बोलूं -15, -22, -29 एंड सो ऑन, और आप मुझे इसकी एन टर्म निकाल दें, और आपको मैं चार ऑप्शन दे दूं एन टर्म का जो भी बन रहा होगा आंसर। अब एक तरीका तो क्या है कि मैं टीएन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है, और जो भी टीएन आए उसको देख के ऑप्शन को टेक कर दूं, है ये भी कोई तरीका, मैं ये नहीं कहूंगा इसमें कोई टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस आ जाती है तो उसमें एक और तरीका भी याद कर लो कि तुम क्या करो, यानी मिसाल के तौर पर मैंने ऑप्शन ए उठाया, मैंने ऑप्शन ए में एन को वन पुट करा, माइनस 15 आ गया, मैंने एन को टू पुट करा, माइनस 22 आ गया, खत्म हो गया बात, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए इज माय आंसर। ए में एन की जगह वन पुट करने पे माइनस 15 नहीं आया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, बी पे चले जाओ, यूं भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो बात मैं तुम्हें यहां पर समझा रहा हूं कि अगर तुम्हें सीक्वेंस दी हुई हो और तुम्हें टीएन निकालने को कहा जाए तो उस पर आप यूं भी चल सकते हैं, छोटा तरीका कि पुट करना शुरू कर दें एन 1, 2 और 3 किसमें, टीएन में, ठीक है, और वेरीफाई कर लें किसको, T1, T2, T3 को, ठीक है। ये दो बातें अपने जहन में रखिएगा ना, यहाँ पे आपके पास nth टर्म का कॉन्सेप्ट एंड होता है, ठीक है, क्योंकि कल के टेस्ट में ऑब्वियसली बात है मैं चाहूंगा कि एक nth टर्म वाला कॉन्सेप्ट आपके साथ इन्वॉल्व करूं, तो जो सीक्वेंस एंड सीरीज का मैंने आपसे टॉपिक बोला है कल के टेस्ट के अंदर, उसमें से ये nth टर्म वाले क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है, अलॉन्ग विद दिस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलॉन्ग विद दिस प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों टॉपिक आपके कल के टेस्ट के हैं, ठीक है, यहीं तक रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए, आगे कल का टेस्ट भी आपको प्रिपेयर करना है, तो नेक्स्ट वीक से ऑब्वियसली आते फिर सीक्वेंस एंड सीरीज को थोड़ा सा पेस में लेके चले जाएंगे, और कोशिश करते हुए इंशाल्लाह ताला एक से डेढ़ हफ्ते में इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, तकरीबन अगर बुक के हिसाब से मैं चलूँ तो 9 एक्सरसाइजेज हैं, 9 एक्सरसाइजेज हैं, और मैं पूरी कोशिश करते हुए चाहूंगा कि कम अज कम बुक का मेजोरिटी ऑफ द पार्ट आपको जरूर कराऊँ, खासतौर पर वो क्वेश्चन तो जरूर कराऊँ जो एप्टीट्यूड में आपसे पूछे जाते हैं ना। आप लोगों का कोई क्वेश्चन, सलाम अलैकुम सर,
वालेकुम अस्सलाम सर, सेकंड ईयर के पेपर का तो बता दें, कैंसिल क्या हो रहा है? सेकंड ईयर के पेपर कैंसिल होंगे नहीं होंगे? या देखो, सेकंड ईयर के पेपर के ऊपर जो है ना, डायरेक्टरेट ऑफ चेयरमैन ने जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर को भेज दी है। अब उनका जो पहला मौकफ था वो ये था कि जो मंडे अभी गुजरा है ना, उस पे उनकी मीटिंग थी, ठीक है ना। उसके बाद जो मिनिस्टर साहब से मीटिंग थी वो थर्सडे को थी। थर्सडे ऑब्वियसली बात है, अभी कोरोना की सियासत इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही है कि उनको एजुकेशन का दूर दूर तक अभी काम करने का मूड नहीं है। सही दिन ही साहब कैंसिल कर देना सर, फिर एक साथ यार मैं भी को मौके विश्वास से नहीं दे सकता कि एजुकेट, मतलब देखो जो चेयरमैन का रिजल्ट आया वो तो तुम्हारे सामने ही है कि भाई या तो हम पेपर लेंगे तो एमसीक्यूज बेस लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो उसमें उन्होंने अभी सेकंड ईयर और मैट्रिक का बता दिया कि सेकंड ईयर वालों को फर्स्ट ईयर की एवरेज दे देंगे और मैट्रिक वालों को 9 की एवरेज दे देंगे विद ग्रेस मार्क्स ऑफ 5%। बेहतरीन हो जाएगा ये। उसमें उन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर और 9 का नहीं बताया, उसमें उस वक्त उन्होंने फर्स्ट ईयर 9 का नहीं बताया जी। तो मैं अभी यही तुम्हें बता सकता हूँ कि चेयरमैन की मीटिंग से क्या रिजल्ट है, बट दुआ करो अल्लाह पाक बेहतर करे जो भी हो। आमीन आमीन। ये समझा सर, एवरेज किस सेंस है? अगर एक बच्चे की फर्स्ट ईयर में 60 है तो उसका एवरेज क्या निकालेंगे लोग? 60 मतलब भाई देखो, बेसिकली एवरेज का रूल तो मेरे ख्याल से अभी उनको भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से जो वो एवरेज करना चाह रहे हैं ना, वो एवरेज इस तरह करना चाहेंगे कि बच्चे का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट और बच्चे का मैट्रिक का रिजल्ट, इन दोनों को देखते हुए वो एक एवरेज परसेंटेज डाल के उसमें 5% ग्रेस कर देंगे। सर अगर ऐसा हो गया तो कसम से बोलना बेहतरीन हो जाएगा, मेरी तरफ से आपको मिठाई पर डन है। अभी तो मैं थोड़ी, अल्लाह पाक तुम लोग को अगर वाकई इस चीज में खुशी है तो मैं तो कहूंगा अल्लाह पाक करवा दे इंशाल्लाह ताला। मैं हम तो रोजे में अभी ताक रातें आ रही है, सिर्फ यही दुआ मांगेंगे, ठीक है? और बोलो। डन डन तारी मेरी तरफ से डन बस डन बेहतरीन जी। नूरुलैन सर, इससे पहले वाली वो पेज दिखा दें, क्वेश्चन लिखने। ये जी सर, वाली की बात करें ये वो क्या करेंगे फिर यार? हाँ, अब ये एक अभी तो बेसिकली ये तो उन्होंने वो लोगों की बात कर दी ना जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में क्लियर बैठे हुए थे। यस सर। अब अगर मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर के किसी की सफली है, या मिसाल के तौर पे वो बच्चा जो इस वक्त इम्प्रूवमेंट दे रहा था, यस सर, ठीक है, वो बच्चों के लिए अभी तक इन्होंने कोई, अभी तो इन्होंने वो बच्चों का डिक्लेयर किया है जो बिल्कुल सीधे वाले, मतलब जिनकी मतलब क्लियर है, परसेंटेज भी सही है, मतलब परसेंटेज 60 अबव है, ठीक है, वो वाला सीन है। अभी ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अभी थोड़ा सा ये एनईडी ने अभी अनाउंस तो कर दिया कि हम अगस्त के मिड में लेंगे, लेकिन आईबीए की अनाउंसमेंट के बाद और आ खान की अनाउंसमेंट के बाद, देखो नस्ट और जीआईकेआई ने, इन दोनों ने अभी तक कोई टेस्ट डेट अनाउंस नहीं की। ये मैं पहले उन शेयरों की बात कर रहा हूँ जो अभी पेपर खत्म नहीं होते फॉरन टेस्ट ले लेते हैं, उन्होंने अभी तक टेस्ट डेट अनाउंस नहीं की। आ खान ने अपनी टेस्ट डेट जो है वो 29 जून से उठा के 6 मार्च पे लेके चला गया, उस पर भी उसने बोला अभी टेंटेटिव है, हमें कुछ पता नहीं है। आईबीए का तुम्हारी एडमिशन पॉलिसी आ गई, तुम लोग सबने देखी होगी, ठीक है, वो उनका कहना ये है कि भाई पूरी कोशिश से टेस्ट ले लेंगे जो जुलाई में या अगस्त में जो हमारा राउंड 2 होता है, लेकिन अगर ना हो पाया तो हम इंटरव्यू बेस पे जाएंगे। और ए लेवल वालों के लिए तो उन्होंने स्ट्रेट सीज का भी अप्रूवल दे दिया, हम स्ट्रेट सीज को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। स्ट्रेट सीज का मतलब आपके लिए हो गया कि आप 60 से अबव हैं तो आप एक्सेप्ट हैं आईबीए में। सर लेकिन मैं दो तीन के अभी बोर्ड के सरों ने बताया कि अगर जो एक पेपर में फेल है बाय चांस तो 5-6 मार्क्स से फेल हो जाते तो उनको ग्रेस मार्क्स दे के पास करके एवरेज कर देंगे। हां ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर बाय चांस एक पेपर में फेल हुए 5-6 मार्क्स से फेल हुए तो मतलब वो तो 10 पास हो सकते थे। हां देखो, अब इसको आप यूं कह लो कि इसके कुछ के लिए अगर ये फायदेमंद है तो कुछ के लिए ये नुकसान भी है। तो कैसे भाई? अगर फॉर सपोज किसी बच्चे ने इस, मतलब मिसाल के तौर पे वो बच्चा 55 का था या 57 का बच्चा था वो फर्स्ट ईयर में, और उसे पूरा टारगेट रखा हुआ था कि सेकंड ईयर में वो बच्चा अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे उसको उन्होंने फर्स्ट ईयर की परसेंटेज के ऊपर रखते हुए ग्रेस मार्क भी देने के बाद भी उसकी परसेंटेज 60 से नीचे ही रही,
यस सर। तो एचईसी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के बाद। लेकिन सर मैट्रिक की भी तो एवरेज देखी जाती है। लेकिन एचईसी तो जब आपकी डिग्री को वेरिफिकेशन करता है तब तो वो इंटर की परसेंटेज को भी देखता है ना कि वो परसेंटेज कितनी है। ये भी है सर। तो इसमें अच्छी चीजें ज्यादा हैं, मैं ये नहीं कहूंगा अच्छी चीजें कम है, इसमें अच्छी चीजें ज्यादा हैं। ज्यादा है। लेकिन बुरी चीजें एक दो भी है, एक दो बुरी चीजें भी है। बट मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये कर रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल ने भी प्रेडिक्टेड रेट्स की तरफ चले गए, तो मेरे ख्याल से इनको भी करना चाहिए। मुझे तो नहीं समझ आ रहा। सर वल्ला मालिक जो होगा देखा जाएगा। यस अखलाक, अब कल मीटिंग है, अब देखते हैं अल्लाह मालिक का क्या होता है। हां थैंक यू सो मच क्लास। थैंक यू सर। वेलकम सर।